मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं चिकन बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए 1 से 1.5 कप ऑयल। उसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे प्याज, इसको हम अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। देखिए हमारी प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज गार्निश के लिए निकाल लूँगी। अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक, गरम मसाला, इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हम मसाले ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, बड़ा टेबलस्पून डालेंगे हम पिसा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून डालेंगे लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक। इसमें आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम टमाटर, जो कि मैंने 2 दरमियाने टमाटर बारीक बारीक काट लिए थे, और 1 कप दही जो कि हमने अच्छी तरह फेंट ली थी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 दरमियाने आलू, या आपकी मर्ज़ी है आप ऐड करना चाहें करें, और नहीं अगर कोई खाता आलू तो ना डालें। अब इसको 2-3 मरतबा चला के और इसके अंदर 1 कप पानी डाल के और उसको हम गलने के लिए रख देंगे। अब ये बिल्कुल कोरमा तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम आलू बुखारे ऐड करेंगे और ये जायफल, जावित्री और छोटी इलायची पाउडर। अब हम इसकी तह लगाने लगे हैं। ये मैंने 1 कनी चावल पहले से उबाल लिए थे, 1 तह हम इसकी लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम सालन की तह रखेंगे। अब इसके बाद हम या तो जर्दे का रंग डाल दें या फूड कलर जो भी आपके पास हो वो डाल दें। 2 से 3 चम्मच सिरके के डाल दें और उसके बाद फिर इसे दम पर रख दें। बिरयानी तैयार है। इसे आप दही के रायते के साथ खा सकते हैं। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे फीडबैक देकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।